हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई सास फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे परी उठते ही पढ़ने बैठ गई है क्योंकि उसने एक पोइम लर्न करनी थी उसको, जो उसने नहीं की थी। और मैं भी, मेरे भी दिमाग से निकल गया कि उसको पोइम लर्न करवानी है, तो वो आज थोड़ा जल्दी उठी है क्योंकि उसकी मैम 9 o'clock आएगी। तो वो आने से पहले पोइम लर्न करना चाहती है क्योंकि परी कभी नहीं चाहती कि मैम उसको डांटे, तो इसीलिए वो बड़ी मेहनत से अपनी पोइम लर्न कर रही है। हाँ, जाओ 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 जाओ। बॉल क्या मिल गई? बॉल 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 मिल गई अर्शी को। बॉल मिल गई अर्शी को। और यहाँ पे आज मैंने मम्मी का बेड खोला है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये बेड खोलूँ क्योंकि इसमें कुछ कपड़े रखे हैं जो कि, मतलब मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से रखे हैं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने इसमें कपड़े रखे थे। तो देख तो इसमें एक दो टी शर्ट्स वगैरह मिल जाए या फिर कोई कुर्ता वगैरह मिल जाए क्योंकि ये कपड़े पहन पहन के ना मैं बोर हो गई हूँ। हाँ बेटा। और अर्शी मेरे पास ही है तो ये मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहा है। हाँ बेटा, ताता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ताता। तो ये कुछ स्कर्ट वगैरह है जो कि मेरी, ये मैंने रखी हुई है। और ये एक कुर्ता है जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का है। उस टाइम मैं बहुत पतली थी तब का एक ही कुर्ता रखा है, तो ये अभी मुझे नहीं आएंगे इसलिए मैंने इनको वापस रख दिए। और इसमें देख रही थी मैं कुछ कपड़े मिल जाए तो, लेकिन इसमें भी कुछ काम का नहीं निकला। मैं ऐसे बैग्स में बना बना कर रख देती हूँ लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कौन से बैग में क्या रखे थे। और ये अर्शू के कुछ कपड़े हैं जो हमने डीडवाना से खरीदे थे पिछले लॉकडाउन में, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में अर्शी के पास कपड़े नहीं थे पहनने को। वो सर्दियों में पैदा हुआ और उसके बाद जैसे ही मार्च आया उसमें लॉकडाउन लग गया तो अर्शी के कपड़े ही नहीं थे। सब लोग जो लाने वाले थे वो भी सर्दियों के लाए थे, तो ये हमने डीडवाना से लिए थे लेकिन इनमें से एक दो अच्छे निकले तो वह मैंने अर्शी को पहना लिए, बाकी मुझे पसंद नहीं आए थे तो मैंने रख दिए। कोई तो शाम को चल को तेरे सूट नहीं चल गो पैर ले अंदर हो क्या तो ये घाघरा खड़ जाऊं पे ना चले पैर रेडी हो रहा है सही बात। ओए और सुबह ने ड्रेस कट गई की हैं लेट पर आओ। हां बेटा चीटा लेट पर आओ। चीटा क्या हम चीटा ले पर आऊं ना ड्रेस। हां
बाल जब छोटे होते हैं ना तो टूटते नहीं इतना, लेकिन बड़े थोड़े से बड़े हो जाने के बाद मेरे तो इतने टूटने लग जाते हैं बाल, पूछो ही मत, इसलिए मैं कटवा देती हूँ। फिर इस बार मैंने 2-2.5 साल से नहीं कटवाए, वरना मैं इतने रखती हूँ बाल, इतने इतने वो ठीक रहते हैं, वो टूटते नहीं है। फिर ये देखो इतने से बड़े हुए, वो टूटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरा फिर मन करता है कि मैं इनको कटवा दूँ, और आज बैठ के चोटी बनाने का मन कर रहा था, तो मैं बैठ के बना दूँ। और अभी मैंने पूनम को फ़ोन किया था, तो मैंने उसको बोला कि बहन थोड़ी पतली हो जा, ये वो मोटापा कंट्रोल कर ले। तो पता है मेरे को क्या बोलते, मैं तो मेरा मोटापा पता नहीं कंट्रोल करूँगी कि नहीं, तू तेरा पतलापा कंट्रोल कर ले, इतनी चेपड़ी सी हो गई। क्योंकि मैं जैसे मेरा वेट कम होने लगता है ना, मेरा फेस एकदम मतलब ऐसा पिचकू सा हो जाता है। पवन भी बोलती है मेरे को कि आपका फेस पतला हो जाता है, आप थोड़ा सा भी मतलब पतला होने लगते हो तो फिर अच्छे नहीं लगते। सब लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते हो। देखो मेरा फेस बिल्कुल पतला सा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट इससे ज़्यादा कम ना हो, लेकिन क्या करें, अब होएगा तो होएगा। कंट्रोल है, मैं खाती भी खूब हूँ कि मेरा वेट मतलब ज़्यादा कम ना हो, ज़्यादा कम होते ही मेरा मुँह एकदम पतला हो जाता है। और एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि जो ये विटामिन ई का ये कैप्सूल है, इसे यूज़ कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे बिना किसी में मिक्स किए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बस निकाला तोड़ा और जो इसका ऑयल होता है वो अपने हैंड पे निकालना और ऐसे डैप डैप करके पूरे फेस पे या और थोड़ा बहुत नेक पे भी अप्लाई कर लेना। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको ये ज़्यादा चिपचिपा लगे, मतलब थोड़ा चिपचिपा होता है ये, अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप इसमें ये जो एलोवेरा जेल आता है, मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो।
पतंजलि का भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। तो आप ये पतंजलि का थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके और उसमें एक कैप्सूल मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर लेना और उसके बाद डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे लगा लेना। और ऐसा करने के बाद थोड़ी देर मसाज करना, क्योंकि स्किन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े इसको मसाज करना अच्छे से। और इसके अलावा, और शुरू हो रहा है क्योंकि उसके पापा उसको छत के ऊपर से ले आए। हाँ जी, पापा की पिटाई करेंगे, पापा की पिटाई करेंगे। अर्शु को रुलाया पापा ने, ठीक है अर्शु, ठीक है दाई, ये दाई है। तो आप इसको कोकोनट के ऑयल में मिक्स करके भी लगा सकते हो, उससे भी आपकी स्किन पे बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मैंने इसको जब से यूज किया है ना, सारे पिंपल्स वगैरह गायब हो गए, ये 2-3 दाग रह गए बस ये इधर, क्योंकि ये अभी मतलब अभी हुई थी ना कुंसी, इस वजह से थोड़े से दाग रह गए, बाकी एकदम फेस मेरा क्लीन हो गया है और नई पिंपल्स भी नहीं निकल रहे हैं। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, और रात में अगर लगा कर आप फेस वॉश करके उसके बाद इसको लगाना, ऐसा करोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि रात को हमारा फेस जो है डस्ट वगैरह से बचा रहता है। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हो, ओके। और अभी हम अर्शु की चोटी बनाएंगे, क्योंकि अर्शु के बाल भी सूख गए हैं, है ना अर्शु, चोटी बना दो, चोटी बना दो, चोटी बना दो, चोटी बना दो। चीजी किसने गिराई, डालो इसको बाउल में, डालो बाउल में, डालो कानो बाउल में डालो बेटा। बाल आइज में आ रहे हैं अर्शु, चोटी बना दो आपकी, चोटी बना दो बेटा। हाँ, रबड़ कहाँ खोल के फेंक के आए आज, रबड़ कहाँ खोल के फेंक के आए, रबड़ कहाँ है अर्शु के, रबड़ कहाँ है, पापा ने खोले थे इसकी चोटी, सही बोल रहा एकदम इसकी चोटी पापा ने खोली थी, तो कह रहे पापा। क्या खा रहे हो अर्शु, क्या खा रहे हो, न्यू न्यू खा रहा है अर्शु। खमागणी कर दो, चलो खमागणी कर दो, बाबू बाबू बाबू, अरे वाह ये तो मेरा बाबू है, खमागणी बोलो, तो बोलना भी है साथ में अर्शु, बोलो खमागणी, अरे वाह गुड बॉय, अरे वाह। जीजा बोल, जीजा जीजा हाँ जी, उठाऊं, आलो उठा दिया, जीजा हाँ जीजा, जीजा आ जाओ जीजा, जीजा 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 नहीं है, पी नहीं है, हाँ जीजा है, जीजा अच्छी क्या खाएगी, औरती अच्छी, औरती खाएगी, औरती प्याज के साथ खाती रोटी, अरे माँ, अरे माँ, क्या 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 क्या, गोची 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 गोची
रोटी थोड़ो घी डाल और एक अलग प्लेट में ले आ देने बाबू ताई। हाय नंगू पुंगू बॉय। क्यों चिल्ला रहे बाबू? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कर रहे हो करें? अर्शी लाइट ऑफ कर दी आपने। लाइट ऑन करो बेटा। लाइट ऑन करनी है अर्शी। क्यों लगा रहे हो? क्या लगा रहे हो? क्योंकि पापा के बाल ऐसे उतरते हैं हर रोज। तो बेटा ये कोई पापा के थोड़ी लगानी चाहिए। पापा लगाने चाहिए ना। गोरू क्यों लगा के घूमते? गोरू बच्चा है बेटा। हाँ पापा तो घर घर में घर पे ही हो अभी आप जा चुके हो। तो अभी कहीं इसकी क्या जरूरत पड़े? इतने बड़े बाल थोड़ी मेरे। कोई बात नहीं कितने बड़े बाल हैं। गोरू तो बहुत ज्यादा करते हैं आजकल। परी आपने तो पापा को बहुत सुंदर तैयार किया है। पापा के आईज आईज आते हैं। क्यों मेरे को और तो बनाओगे क्या? सो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट एंड टेक केयर। स्टे होम स्टे सेफ।